हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं सर, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल नर्सिंग लेक्चर एंड जॉब। फ्रेंड्स, मैं आप लोग के लिए फिर से एक बहुत बड़ी वैकेंसी लेकर आई हूं। जी हां फ्रेंड, नर्सिंग वालों के लिए ये वैकेंसी है। नर्सिंग का पोस्ट है और ओटी टेक्नीशियन का पोस्ट है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं पूरा डिटेल बताऊँगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको कहीं और जाने की जरूरत ना पड़े। आपको नर्सिंग से रिलेटेड, कोई भी मेडिकल फील्ड से रिलेटेड, आपको सारी डिटेल नॉलेज, जो न्यूज़ है, जो वैकेंसीज़ है, सारा अपडेट है, अप टू डेट इस चैनल के माध्यम से आपको पहुँचा दिया जाएगा, अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो। तो फ्रेंड्स, अगर आपको CHO की वैकेंसी हो, रेलवे नर्स की वैकेंसी हो, स्टाफ नर्स की वैकेंसी हो, नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी हो, सारा वैकेंसी इस चैनल पे आपको मिल जाएगा। तो बने रहिएगा इस वीडियो के साथ और इस वीडियो को देखिएगा लास्ट तक, क्योंकि इसमें नर्स लोग के लिए पोस्ट है और OT टेक्नीशियन के लिए है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं नोटिफिकेशन फॉर द रिक्रूटमेंट ड्राइव पोस्ट ऑफ 2020, जो स्टाफ नर्स का पोस्ट है, और कैंडिडेट कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो है OT टेक्नीशियन का पोस्ट है। ठीक है, ये जो है 27 मई को आया है ये नोटिफिकेशन, और यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप इस वेबसाइट पे जो www.srikakulam.ap.government.in है, यहाँ पे जाके आप इसको ये नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप वहाँ नहीं जाना चाहते तो आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ जाके ज़रूर एक बार चेक कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, ये देखिए स्टाफ नर्स का पोस्ट है, 20 पोस्ट है, ये भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, और यहाँ पे जो ऑल कैटेगरी के हैं उनके लिए भी है। और यहाँ पे देखिए जो इनका सैलरी है 34,000 पर मंथ रहेंगे। क्वालिफिकेशन जो BSc GNM इनको मिलेगा, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे जो GNM और BSc के हैं उनके लिए ये जो है ये 20 पोस्ट जो स्टाफ नर्स का है ये वैकेंसी उन लोग अप्लाई कर सकते हैं। फिर ऑपरेटर थिएटर, ठीक है, OT असिस्टेंट का पोस्ट है, तो यहाँ पे देखिए 2 पोस्ट है और इनका जो सैलरी है 14,250 है। फिर और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये पास इन 10th क्लास में पास होना चाहिए, और इनके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए विद 2 ईयर सर्विस, और इनके पास जो है ऑपरेशन थिएटर में असिस्टेंट का वर्क किए हैं उनका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। फिर इशू ऑफ नोटिफिकेशन ये जो है 28 मई को आया है। टाइम पीरियड ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन आप इसको 28 मई से 11 जून तक आप इसको सबमिट कर सकते हैं। फ्रेंड, तो आपके पास 11 जून तक का टाइम है, आप इसको सबमिट कर सकते हैं। तो ये रहा वो एप्लीकेशन जिसको आपको पूरा फिलअप करके आपको सबमिट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पूरा डिटेल भरना है कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, पोस्ट फॉर्म विच एप्लीकेशन मेड। ठीक, तो यहाँ पे आपको पूरा सब कुछ डिटेल फिलअप करना है। ये जो है एप्लीकेशन जो है आपको फॉर्म है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसको डाउनलोड करने से पहले वीडियो को अच्छे से समझ लीजिएगा कि आपको क्या क्या लगेंगे, कैसे फिलअप करना है, ये सारा चीज़ आपको फिलअप करना है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन फॉर्म, 10th क्लास सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, PH सर्टिफिकेट, स्टडी सर्टिफिकेट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ये सारा चीज़ आपको लगाना है अपने फॉर्म के साथ। फिर आपको क्या करना है, सबमिट करना है और इस फॉर्म को डाउनलोड करके आपको इसको भर के फिलअप करके इस डॉक्यूमेंट सबको उसके साथ अटैच करना है, सारे के जीरोक्स कॉपी को। फिर आपको इसको सबमिट करना है। आपको एड्रेस जो है इस वेबसाइट पे जाओगे तो आपको दिया मिल जाएगा एड्रेस, कौन से एड्रेस पे सबमिट करना है, ऑनलाइन सबमिट करना है, वो आपको इस वेबसाइट के माध्यम से पूरा मिल जाएगा। तो ये रही बहुत बड़ी गुड न्यूज़ जो कि नर्स और OT टेक्नीशियन, OT असिस्टेंट के लिए है। तो अगर आपको ऐसी नई नई और गुड न्यूज़ चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड लोग तक। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गुड लक।